हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। आप देख रहे हैं एनुएक्सिम। आज हम पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर ऑफ क्लास 11th एज वेल एज नीट पार्ट 1। अब भाई डेफिनेटली इतना बड़ा चैप्टर है तो हमें इसे पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो के टॉपिक्स कुछ इनिशियल टॉपिक्स हैं चैप्टर के, जैसे कि आपके पास प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, ज़ेनिंगर हाउस एक्सपेरिमेंट और स्टेटमेंट्स ऑफ जूलियस वॉन सेट, मतलब जो भी उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन की और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए वो। तो बिना किसी वक्त चोरी के शुरू करते हैं। ये हैं हमारे स्टूडेंट MMC, मुट्टी मस्ती और चू। तो भाई ये है प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। ये प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट है, प्रिस्टेज का खोखा नहीं है। हंसना था क्या? मजाक अपार्ट गाइस, लेट्स मूव ऑन इट। तो ये है प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट, और प्रिस्टले ने एक्सपेरिमेंट करके क्या दुनिया के सामने लाए, मतलब वो दुनिया के को क्या दिखाना चाहते थे, क्या रिवील करना चाहते थे। अब यहाँ पे इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा कितनी बच्चों वाली चीज़ें हैं, वी ऑलरेडी नो इट। बट उस टाइम की सोचो, उस टाइम पे बहुत ही चुनिंदा ऐसे लोग थे जो उनको जानते थे और उसके बाद वो दुनिया के सामने लेकर आए उन चीज़ों को, ठीक है ना। तो प्रिस्टले का क्या लेकर आए, प्रिस्टले ने ये बताया कि एयर का कितना इसेंशियल रोल है इन दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब जो प्लांट हैं जो ग्रो करते हैं उसमें ऑल ओवर द एयर, नॉट ओनली द ऑक्सीजन और द कार्बन डाइऑक्साइड और एनी पर्टिकुलर गैस, पूरी एयर का उस प्लांट की ग्रोथ में कितना इसेंशियल रोल है, कितना ज़रूरी है वो एयर, ठीक है ना। वो प्रिस्टले दिखाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। चलो, तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया मतलब उन्होंने एक चूहा लिया यानी माउस लिया आपके पास, और एक ली बर्निंग कैंडल। अब देखो भैया, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल याद करनी ही पड़ेंगी इफ़ यू आर द एस्पिरेंट ऑफ द नीट, बिकॉज आपको पता है कि देखो 12th की तो आप सबको पता ही होगी, बट नीट में बिल्कुल एग्जैक्ट NCERT की लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे अपने शब्दों में लिख डाली है, विच यू नीड टू लर्न, क्योंकि आपको पता है वो कितने हरामी होते हैं नीट वाले, ठीक है ना। तो अब आप देखो, उन्होंने क्या किया, एक माउस को लिया और एक बर्निंग कैंडल को लिया और एक जार में रख दिया, ठीक है ना, एक जार में। अब भाई वही बचपन का याद करो, 6वीं क्लास में जहां मास्टर आते थे और एक जलती हुई मोमबत्ती लेते थे और उसके ऊपर एक जार रख देते थे, थोड़ी देर तक वो मोमबत्ती जलती थी, उसके बाद बुझ जाती थी। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, उन्होंने एक चूहा लिया, एक माउस लिया। चूहा ऐसा तो है नहीं है कि चूहा बिल्कुल एलियन चूहा है जो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन देगा, है ना, ऐसा तो है नहीं है। तो चूहा भी मरेगा, ठीक है ना, चूहा भी मरेगा। तो माउस और बर्निंग कैंडल दोनों उन्होंने ली और उसको एक जार में कैद कर दिया। धीरे धीरे जो आपके पास, हम इसको माउस ले लेते हैं और इसको आपके पास कैंडल ले लेते हैं, ये करते क्या है एक्चुअली में, ऑक्सीजन का होता क्या है, कैंडल जब जलती है तो वो हवा में मौजूद, जो कैंडल होती है उसमें कार्बन होता है और वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के संग रिएक्ट करके आपके पास CO2 दे देता है। तो ऑक्सीजन यहाँ से कम हो रही है अब हवा से, और सिमिलरली माउस का तो आप जानते हो हमारी तरह ही रेस्पिरेट करता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन आपके पास ये माउस लेता है और CO2 छोड़ता है। तो कुल मिला के उस जार में CO2 बढ़ रही है, ऑक्सीजन घट रही है, और फाइनली नतीजा क्या हुआ, चूहा मर गया और मोमबत्ती बुझ गई। चूहा की तो गाड़ी फट गई। हाँ सही बात है। वैसे इस पूरे एक्सपेरिमेंट में कहीं भी प्लांट आया, मतलब तुम रॉयल एयर का प्लांट की ग्रोथ में दिखा रहे हो बट कहीं भी प्लांट नहीं है। तो इस बार प्लांट आएगा, मतलब अब एक्सपेरिमेंट का अगला भाग होगा जहाँ पे ही विल टेक ए मिंट प्लांट, मतलब एक पुदीना का पौधा लेंगे और ही विल पुट इट इनसाइड सेम जार, उसी जार में एक दूसरा चूहा और एक नई मोमबत्ती, या फिर पुरानी को भी जला सकते हैं, हालांकि पुराना चूहा तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पहुंच गया, लेकिन अब बेचारे का क्या करें। दूसरा चूहा आया और उसके बाद उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया, चूहे को रख दिया, कैंडल को रख दिया बर्निंग कैंडल को, और इस बार प्लांट को भी रख दिया। अब क्या हो रहा था, वैसे तो आप सबको मालूम ही है क्या हो रहा है, बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन इट। हो क्या रहा है, ये हवा से आपके पास ऑक्सीजन ले रही है यहाँ पे, और ये चूहा भी, एक बार मैं सब कुछ इरेज कर दे रहा पहले, हाँ, तो ये हवा से ऑक्सीजन ले रही है और चूहा भी हवा से ऑक्सीजन ले रहा है, और बदले में दे रहे हैं CO2। मैंने रिएक्शन आपको बता दी थी, ठीक है ना, बर्निंग कैंडल की। और हो क्या रहा है, जब इन दिस प्रेजेंट ऑफ लाइट, जब यहाँ पर लाइट भी है और यहाँ नीचे आपके पास पानी भी है, तब ये क्या कर रहा है,
इस CO2 को, जो ये CO2 चूहे और मोमबत्ती निकाल रहे हैं ना, उस CO2 को प्लांट एक्वायर कर रहा है, उस CO2 को प्लांट ले रहा है फॉर द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि उसमें उसे कार्बन चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से उसने CO2 को ले लिया और यहां से जो पानी था ये ऊपर की ओर इसने खींच लिया और पानी की हुई हाइड्रोलाइसिस, जो कि हम आगे पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या हुआ, प्लांट ने ऑक्सीजन बाहर निकाली और उस ऑक्सीजन को इस बर्निंग कैंडल ने एक्वायर किया फॉर द बर्निंग, और इसी ऑक्सीजन को आपके पास ये चूहे ने भी ले लिया। तो इस बार चूहे की ब्ला 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 नहीं हुई, ठीक है ना। तो फाइनली क्या हुआ, इस बार चूहा बच गया। अब ये भैया ये सबको पता है क्या हो रहा था, क्या हुआ, ठीक है ना। कुल मिला के इनका स्टेटमेंट क्या आया, और आपको तसल्ली के लिए मैं पीछे भी ले चलता हूँ। सो या यहाँ पर है आपका, बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मिंट प्लांट इन द जार देन द माउस इज स्टिल अलाइव एंड द कैंडल इज स्टिल बर्निंग, ठीक है ना। मतलब समझ ही गए होगे इन चीज़ों को भैया, याद रखना, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है नीट में, एंड आई वॉन्ट टू कवर होल थिंग फॉर यू, ठीक। नाउ द स्टेटमेंट इज प्लांट रिस्टोर द एयर वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, ठीक है ना। तो होता इनके इनके स्टेटमेंट में इन्होंने क्या कहा, प्लांट जो हैं उस सारी हवा को रिस्टोर कर देते हैं जो कि लिविंग एनिमल यानी ब्रीदिंग एनिमल जो कि सांस ले रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, या बर्निंग कैंडल रिमूव कर रही है। यानी ये यहाँ से क्या आ रहा है, CO2, और ये क्या दे रहे हैं, CO2, और प्लांट इसको रिस्टोर करके किस में बदल रहे हैं, ऑक्सीजन में, ठीक है ना। ये इनका मत था, इनका स्टेटमेंट था। तो भाई एग्जैक्टली यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है ना। तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट छपा होगा और दो तीन अलग कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन डाल दिया है मैंने यहाँ पे, विच प्लांट इज यूज बाय द प्रिस्टले फॉर हिज फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। अब भैया हम खूब सारा आपके पास रेस्पिरेटरी पढ़ के चले गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ना जाने क्या क्या पढ़ के चले गए, और क्वेश्चन मिल गया ये कि भाई प्रिस्टले ने कौन सा यूज किया था प्लांट। एनसीईआरटी में है, नीट वाले तो इतने नालायक हैं कि 90% एनसीईआरटी के बाद 10% एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, तो एनसीईआरटी की तो भैया लाइन लाइन चप्पा चप्पे से देंगे, और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो फंस जाओगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखो पाइसम सैटिवम, ओलियंडर, मिंट, कुछ कहेंगे ऑल ऑफ देम और नन ऑफ देम, तो वो गलत है। तो फाइनली यहाँ पर आंसर जो है वो मिंट है, ठीक है ना। सो दिस वॉज द प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन जेन इंगरहाउस एक्सपेरिमेंट। तो भाई ये है आपके पास जेनिंगर हाउस एक्सपेरिमेंट, और हम इसे कहेंगे जानू एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, सिमिलर टू प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। तो भाई ये कुछ इस तरीके का है, जैसे आप स्कूल ना जाओ और उस दिन आपका बेस्ट फ्रेंड गलती से चला गया हो, और अगले दिन बेस्ट फ्रेंड की कॉपी लो और वैसे के वैसे ही छाप दो, तो बिल्कुल वैसा ही हमें यहाँ पर लगने वाला है। तो कुल मिला के उन्होंने सेम, बिल्कुल मतलब सेम कह लो, वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया जानू ने, और किया किस पे, एक एक्वाटिक प्लांट से किया। तो वहाँ पर क्या था, मिंट था प्लांट, यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट है। कौन सा प्लांट है मन नहीं पता हमें, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा। हाँ, अगर क्यूरियस हो जानने के बारे में तो GOOGLE कर लेना, ठीक है ना। ए हरामी मास्टर, तू खुद ही नहीं बता पा रहा, मास्टर को ही नहीं पता, ठीक है ना। तो भाई गूगल करके मेरे को भी कमेंट में बता देना, ठीक है ना। तो कुल मिला के एक्वाटिक प्लांट था जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और भाई यहाँ पे ये नीट में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द एक्वाटिक प्लांट। तो वहाँ पे आपके जो ऑप्शंस देगा उसमें वो जानू का भी नाम लेगा और आपके पास प्रिस्टेज का भी नाम देगा, कुकर वाले का, ठीक है नहीं। तो आप कन्फ्यूज मत होना, यू मस्ट लर्न इट, ठीक है। नेक्स्ट इज इनका स्टेटमेंट क्या है फाइनली। तो अब स्टेटमेंट से हमें पूरा पूरा अंदाजा लग जाएगा। सनलाइट इज इसेंशियल टू द प्लांट्स प्रोसेस दैट समहाउ एयर फॉल्ड बाय बर्निंग कैंडल और द ब्रीदिंग एनिमल्स। अब हम जैसे अनपढ़ों को ये कहाँ समझ में आए, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना क्या चाहते हैं इनके हिसाब से, अब देखो पूरा की पूरा बिल्कुल सेम है, नालायक ने बर्निंग कैंडल तक डाल दिया अपने स्टेटमेंट में प्रिस्टले जैसा। तो ये क्या कहना चाहते हैं
कि सनलाइट इज एसेंशियल। अब हम लोगों को तो पता है, लेकिन उस टाइम के लोगों को नहीं पता थी। तो कुल मिला के बर्निंग कैंडल क्या कर रहे हैं, बर्निंग कैंडल जो हमारे पास नॉर्मल एयर है उस एयर में से ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 को छोड़ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्रीदिंग एनिमल्स भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, एयर में से ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये फॉलिंग ऑफ एयर हो रहा है। फॉलिंग मतलब एयर को गंदा किया जा रहा है, एयर जो हो रही है वो बेकार हो रही है। एयर बेकार नहीं हो रही, एयर में CO2 ज़्यादा हो रही है, लेकिन हमारे लिए तो वो बेकार ही है। अब भाई CO2 वाली एयर को हम ले तो सकते नहीं है, तो कुल मिला के वो बेकार हुई, फॉल्ड हो गई एयर। लेकिन उस एयर को प्रोसेस कर रहा है कौन, प्लांट, किसी भी तरीके से प्लांट उसको प्रोसेस कर रहा है। यही चीज़ जोसेफ प्रिस्टले ने भी बताई थी कि प्लांट विल रीस्टोर। तो रीस्टोर करना है, प्रोसेस करना, कुछ भी कह लो आप, दे उनके हिसाब से प्लांट रीस्टोर कर रहा है उस एयर को, इनके हिसाब से प्लांट प्रोसेस कर रहा है उस एयर को जो कि ब्रीथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल के द्वारा ख़राब की जा रही है, या यूँ कह लो कि उसमें CO2 बना दी जा रही है बजाय ऑक्सीजन के। इन्होंने एक नई चीज़ क्या डाल दी, सनलाइट इज एसेंशियल। अब मुझे आप बताना प्लांट उसको प्रोसेस कर कैसे रहा है, व्हाट द हेल द प्लांट इज डूइंग हेयर। देखो भाई प्लांट क्या कर रहा है, आपके पास जो ये CO2 आ रही है उस CO2 को प्लांट लेता है और यहाँ से ऑक्सीजन दे रहा है, बट कैसे, अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया है द प्लांट व्हाट द हेल प्लांट इज गोइंग ऑन द प्लांट इज डूइंग, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। प्लांट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये चीज तो कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है और CO2 ले रहा है, बट when it is operating the photosynthesis process, यानी जब photosynthesis कर रहा है plant, तब ये काम कर रहा है। और photosynthesis के लिए आपको ये CO2 तो मिल गई plant को, यहाँ से आपके पास water मिलेगा और ऊपर से होनी चाहिए sunlight, तब क्या करेगा plant, इस carbon dioxide को ले लेगा, water को ले लेगा, water होगा आपके पास breakdown water का, और जो water है वो आपके पास oxygen दे देगा जो कि हम जो हमारी और एयर में आ जाएगी, एयर में शामिल हो जाएगी ऑक्सीजन और CO2 चली गई, तो प्लांट ने उस एयर को प्रोसेस कर दिया। नाउ द एयर इज परफेक्ट फॉर द ब्रीथ, फॉर द ब्रीथिंग एनिमल्स एज वेल एज इट इज परफेक्ट फॉर द बर्निंग कैंडल, ठीक है। बस इतना सा आपके पास है जेनिंगर हाउस एक्सपेरिमेंट। अब हम बढ़ने वाले हैं आपका नेक्स्ट जो कि है आपके जूलियस वॉन्सेक। हाँ, उससे एक और चीज़ पहले सुन लो कि मान लो आपको एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है कि ये एक्सपेरिमेंट लिख दिया, ये जो जानू का एक्सपेरिमेंट है ये लिख दिया, और या फिर आपके क्वेश्चन में पिछला वाला एक्सपेरिमेंट लिख दिया, ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई भी वो लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया क्वेश्चन में, और उसके बाद नीचे ऑप्शन दे के पूछ लिया कि किस साइंटिस्ट का ये स्टेटमेंट है। दोबारा सुन लो, ये स्टेटमेंट लिखा, या तो इसका लिख दिया या पिछले वाले का लिख दिया, और उसके क्वेश्चन में पूछा कि किस साइंटिस्ट का ये स्टेटमेंट है। तो भाई स्टेटमेंट आपको ज़रूर याद होने चाहिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट जानू का है, वो स्टेटमेंट प्रिस्टेज का है, ठीक है ना, मतलब प्रिस्टली और जेनिंगर हाउस, ठीक है ना, डेफिनेटली। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो अब आता है हमारे पास जूलियस वॉन सैक्स। अबे ओ अबस के पुजारी, थोड़ा शांत हो जा। तो भाई ये है जूलियस वॉन सैक्स के स्टेटमेंट्स, और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए प्लांट्स पे, और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए, कुछ कंक्लूजन्स हमें दिए। तो सबसे पहला क्या है, व्हेन प्लांट ग्रोज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, यानी जब प्लांट ग्रो करता है तो उसमें ग्लूकोज बनता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, या यूं कहो अभी हम उन दो बजर बट्टुओं को पढ़ रहे थे, वही प्रिस्टले और जानू, उन्होंने क्या कहा, प्लांट एयर को प्रोसेस कर रहा है जो कि ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल छोड़ रही है। एक्चुअली में प्लांट क्या कर रहा था, ये आपका एयर है, इस एयर में से जो इन्होंने ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने छोड़ा, बर्निंग कैंडल, इन्होंने इसमें CO2 छोड़ दी, इसमें से ऑक्सीजन ले ली। अब प्लांट क्या करेगा भाई, प्लांट क्या करेगा, प्लांट इसमें से CO2 को ऑक्सीजन को वापस दे देगा CO2 खींच के। नाउ ये प्लांट कब करेगा, ये प्लांट कब करेगा, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, नाम में ही फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट की प्रेजेंस में बना रहा है, और वो बन क्या रहा है, ये प्रोडक्शन किसका हो रहा है, ग्लूकोज ही तो बना रहा है प्लांट, ग्लूकोज ही तो बना रहा है प्लांट, और
एक्चुअली में यहाँ लाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ वाटर प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पे CO2 तो मिल ही गई। तो एक्चुअली में ये CO2 जाएगी अंदर, यहाँ से कार्बन निकल रहा है वो ग्लूकोज के लिए यूज़ होगा, वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगी। ये एक्चुअली में हम आगे पूरा पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि भाई ऑक्सीजन यहाँ से भी निकलनी चाहिए, यहाँ से नहीं निकलेगी, ये प्रूव्ड है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। सो यहाँ से ऑक्सीजन निकली और वो ऑक्सीजन वापस हवा में आई एंड दिस इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग ऑफ द एयर बाय द प्लांट। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हुआ? ग्लूकोज का, वही चीज जूलियस वॉन सेक ने बताई। दूसरी चीज, क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट विद इन द प्लांट। अब सबको पता है, हम सबको पता है क्लोरोफिल की वजह से प्लांट हरे होते हैं। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट में लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। और ये चीज़ अभी तो हमें पता है, लेकिन बताई किसने? जूलियस वॉन सेक ने। किनको? अपने आगे वालों, आगे 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 हमारे मम्मी पापा को पता चली, टीचर्स को पता चली और फिर उन्होंने हमें बताई, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। इसके अलावा और भी मतलब पिगमेंट तो और भी होते हैं प्लांट में, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, वो हम कभी और पढ़ने वाले हैं। हालांकि क्लोरोफिल जो है इसका फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है, मतलब ये ही एक्चुअली में रेस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके भी आपके पास अभी हम इसी चैप्टर में आगे की वीडियोस में, आगे के पार्ट्स में टाइप पढ़ने वाले हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और इसके बाद आपके ज़ैंथोफिल वगैरह भी आ जाएंगे। सो वी विल गेट इट सून। नाउ द थर्ड पॉइंट इज ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट्स। अभी तो हम सबको पता है कि प्लांट के जो हरे हिस्से होते हैं उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। अब उनमें फोटोसिंथेसिस होगी तभी तो वहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, तो इसका मतलब सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में ही तो ग्लूकोज बन पाएगा। और ये चीज़ किसने बताई? जूलियस वॉन सेक ने, ठीक है ना। तो कुल मिला के अब तक तो हम उनको पढ़ाते थे, बट मेन चीज़ ये है जूलियस वॉन सेक, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ही ग्लूकोज बनता है क्योंकि सिर्फ वहीं फोटोसिंथेसिस हो सकती है, क्योंकि वहीं पर क्लोरोफिल है, ठीक है ना। और चौथा स्टेटमेंट जो कि इन सब का बाप है, जो कि सबसे कॉमन है, मेजर है, और यहाँ से PYQ आ भी चुका है आपका और MCQ बनने के चांसेस भी इनमें से काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, इसमें से भी, मतलब इसमें से मैक्सिमम है और फिर इनमें से तो हैं ही, बाकी तो भाई आप जानते हो नीट वालों को, ठीक है। तो ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। भाई सबसे पहले इन्होंने कहाँ से शुरू करी कहानी? ग्लूकोज बनता है, फिर उन्होंने बताया क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं, फिर उन्होंने बताया ग्रीन पार्ट्स में ही बनता है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट्स में ही रहे प्लांट के, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि बन तो गया, ये तीन के तीन में ये बस बना रहे हैं इतनी देर से, अब ग्लूकोज बन तो गया, अब क्या हुआ, इसको स्टोर भी तो करना है, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना बन गया और तुरंत यूज हो गया। अगर वो बचा हुआ है, मान लो प्लांट को वहाँ ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको स्टोर कर देगा एज दे स्टार्च, और स्टार्च बन के ये स्टोर हो जाएगा। काइंडली फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूँ, शायद ज़्यादातर लोगों को पता भी हो कि ह्यूमन बॉडी में जो आपके पास ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के जरिए, मतलब जैसे यहाँ पे स्टार्च में बदल गया, यहाँ ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। आगे जब हम ह्यूमन पढ़ रहे होंगे तब डेफिनेटली इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। सो अभी क्या बात है, अभी इन्होंने हमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्या बताया कि भाई ग्लूकोज बन गया, लेकिन ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर रहता है स्टार्च, यही क्वेश्चन बन के आ गया नीट में कि इन विच फॉर्म ग्लूकोज स्टोर्ड इन द प्लांट्स। और ये नहीं कि स्टार्च में रहता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया किसने, मतलब ये हमें किसने बताया कि ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है प्लांट्स में? तो वहाँ का डायरेक्ट आंसर जूलियस वॉन सेक आएगा, और ऑप्शन में वो बहुत सारे दे देगा, TW एंगलमैन, जोसेफ प्रिस्टले, जैन इंगरहाउस, जूलियस वॉन सेक, और फिर आप कन्फ्यूज जा सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये चीज़ किसने दी? पहली चीज़ तो ये याद रखो कि किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च की फॉर्म में। फिर ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया? जूलियस वॉन सेक ने, ठीक। सो भाई ये आपके पास तीनों की तीनों टॉपिक आज हमने कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ इस वीडियो का फ्री पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां और भी कई सारा कंटेंट बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और आप प्लांट से बोर होकर अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो तो भाई ऊपर वाली वीडियो देख लो, और अगर केमिस्ट्री की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स चाहिए तो भाई नीचे वाली प्लेलिस्ट पर चले जाओ। और इसके अलावा अगर पीसीबी से रिलेटेड और भी कंटेंट चाहिए तो पूरा चैनल ही सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो तो यहीं खत्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।